नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर। एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं, एम्स नॉरसेट, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़, स्टाफ उत्तराखंड स्टाफ नर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। तो शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आप अच्छा कर जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट वुड कॉज द मोस्ट कंसर्न इन इम्यूनो सप्रेसेंट क्लाइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल ने आपको क्या पूछा है कि कौन सा लैब रिजल्ट है ना, चार यहाँ पे लैब रिजल्ट दिए हुए हैं, कौन सा लैब रिजल्ट जो है वो कॉज करेगा, सबसे ज्यादा कंसर्न कोज होगा इम्यूनो सप्रेस्ड क्लाइंट के अंदर। मरीज का इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड है और उसमें लैब रिजल्ट आप असेस कर रहे हो, तो कौन सा लैब रिजल्ट जो है वो आपका कंसर्न इश्यू बनेगा, मतलब कि ये लैब रिजल्ट साफ सही नहीं है, ये लैब रिजल्ट गड़बड़ है, तो ऐसा कौन सा लैब रिजल्ट है जो आपको गड़बड़ी को इंडिकेट करता है। ए सोडियम लेवल ऑफ 50 मिलीग्राम पर डीएल, ए ब्लड ग्लूकोज ऑफ 110 एमजी पर डीएल, ए प्लेटलेट काउंट 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर और WBC काउंट 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सी लैब वैल्यू जो है वो आपको कंसर्न इश्यू रहेगी इम्यूनो सप्रेस्ड क्लाइंट के अंदर। बहुत बढ़िया, देखिएगा कुछ लोगों ने यहाँ जवाब देने की कोशिश की है, देखिएगा क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। WBC काउंट 5000 जो है ये नॉर्मल है, कोई कंसर्न इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। प्लेटलेट काउंट 1 लाख जो है ये भी नॉर्मल है, यहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, ये लैब वैल्यू भी एकदम नॉर्मल डाटा को इंडिकेट करती है। और ब्लड ग्लूकोज का लेवल 110 एमजी पर डीएल जो है ये भी नॉर्मल है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही एकदम नॉर्मल है, इसमें आपको किसी भी तरीके का एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि सोडियम जो है वो 50 एमजी पर डीएल है, ये कंसर्न इश्यू है क्योंकि ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया है और हाइपोनेट्रीमिया जो है वो प्रॉब्लमेटिक इश्यू बन सकता है यहाँ पे, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो होता है वो 135 टू 145 मिलीक्विलेंट पर लीटर होता है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू बहुत गड़बड़ है, इसलिए ये कंसर्न इश्यू बनेगा यहाँ पेशेंट के लिए। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स हैज एन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर मेपरिडिन। मेपरिडिन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, मॉर्फिन की जगह यूज किया जाता है जब मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है लाइक पेनकेराटाइटिस जैसी बीमारी के अंदर। 75 मिलीग्राम मेपरिडिन जो है वो पेन के लिए मरीज को वहां पे लिखा गया है एडमिनिस्टर करना है। द ड्रग अवेलेबल इन 100 mg इन 2 ml, 100 mg है 2 ml के अंदर कितना ml आप एडमिनिस्टर करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ml, सेकेंड ऑप्शन है 1.3 ml, थर्ड ऑप्शन है 1.5 ml और लास्ट ऑप्शन है 1.7 ml। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, समझिएगा चीजों को कि आपको दवाई एडमिनिस्टर करनी है जिसकी डोज 75 आपको देनी है, जो आपके पास में अवेलेबल है वो है 100 mg और ये 100 जो है वो 2 ml के अंदर है, 100 कितनी है 2 ml में। तो जो फॉर्मूला है वो है डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इन 2 ml, तो आपकी डिजायर डोज जो है वो तो है 75, आपके पास में अवेलेबल डोज है वो है 100 और कितने ml के अंदर है 2 ml के अंदर। इसको जब हम कट करेंगे 2 से ये 50 टाइम्स गया और 25 से ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 3/2, 2 1 जा 2 और पॉइंट लगे 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा 1.5 ml। और 1.5 ml कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में यहाँ पे मेंशन है 1.5 ml, मतलब फॉर्मूला सिंपल है, डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू ml, डिजायर डोज है 75, अवेलेबल डोज है 100 और वो 2 ml में, मतलब 1 ml में 50, तो 50 1 ml में है और आपको 75 देना है तो 1.5 ml लेना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो करेक्ट आंसर अपना आ गया 1.5 ml, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है,
ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला सिंपल है, याद रख लीजिएगा, डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू एमएल। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला से। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन मैं यहां पे लेके आया हूं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से ऑप्शन को समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। ए क्लाइंट इज डायग्नोस विद लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। मरीज क्या डायग्नोस हुआ है कि उसको लेफ्ट सबक्लेवियन जो आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डायग्नोस हुआ है। ये मरीज का डायग्नोसिस है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। व्हाट एडिशनल फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट, क्या एडिशनल फाइंडिंग वहां पे मिलेगी जब मरीज को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कौन सी एडिशनल फाइंडिंग आपको वहां पे मिलेगी? मेमोरी लॉस एंड डिसोरियंटेशन, नमनेस इन द फेस माउथ एंड टंग, रेडियल पल्स डिफरेंस ओवर 10 बीट पर मिनट, और फ्रंटल हेडेक विद एसोसिएटेड नोजिया और एमएसिस। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। मरीज को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। देखिएगा, जो एओर्टा निकलता है आर्च ऑफ एओर्टा बना के डिसेंडिंग एओर्टा बनाता है, तो असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। इस एओर्टा की तीन ब्रांच निकलती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एक निकलती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सवाल ने ये पूछा है कि कौन सी फाइंडिंग वहां देखने को मिलेगी नर्स में, एक्सपेक्ट रहेगी, मतलब कौन सी फाइंडिंग आपको मिलेगी। तो अगर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसकी दो ब्रांच यहां से निकलती है, लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी और लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी। वर्टिबल आर्टरी जो है वो तो ब्रेन को सप्लाई करती है, और एक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो लिम्ब को सप्लाई करती है, और इस लिम्ब के अंदर जो पल्स आएगी उस पल्स को नाम देते हैं रेडियल पल्स। कौन सी पल्स आएगी आगे? रेडियल। तो अगर आप दोनों लिम्ब की पल्स को असेस करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड का लिम्ब है उसकी पल्स राइट साइड की तुलना में वीक हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो है पल्सेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्लो के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, जो रेडियल पल्स है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा 10 बीट पर मिनट का, क्योंकि लेफ्ट वाली जो पल्स है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो पल्स थोड़ी एब्सेंट और वीक या इरेगुलर के साथ पैदा होगी। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का संबंध इस ब्लड के फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं है, इसलिए ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो रेडियल पल्स है उसका डिफरेंस जो है वो 10 मिनट से भी ज्यादा, बीट पर मिनट से ज्यादा वहां देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट कतई जहर क्वेश्चन। आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर जवाब देना है। पूछा जा रहा है, नर्स इज गिविंग इंफॉर्मेशन टू ए क्लाइंट एट हाई रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर। मरीज में स्किन कैंसर डेवलप होने की बहुत ज्यादा रिस्क है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पेशेंट है हाई रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन कैंसर, स्किन का कैंसर होने की बहुत ज्यादा रिस्क पे ऊपर है मरीज। कौन सा इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूडेड, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे दे मरीज को जिसको स्किन की कैंसर की बहुत ज्यादा रिस्क है। यू शुड सी द डॉक्टर एवरी 6 मंथ, 6-6 महीने में डॉक्टर को दिखाना है। सन बाथिंग शुड बी डन बिटवीन द आवर्स ऑफ नून एंड 3 PM आफ्टरनून, मतलब 12 बजे से 3 बजे के बीच में सन स्क्रीन सन बाथ लेना है आपको। इफ यू हैव ए मोल इट शुड बी रिमूव्ड एंड बायोप्साइड, अगर तुम्हें कोई मोल है ना, कोई तिल है तुम्हारे शरीर के ऊपर, तो उसको रिमूव करके उसकी बायोप्सी करवा दो। एंड यू शुड वियर सन स्क्रीन वैन गोइंग आउटसाइड, तुम्हें बाहर जाओ तो सन स्क्रीन पहन के जाओ। मरीज जो है वो रिस्क के ऊपर है, हाई रिस्क पे है स्किन कैंसर के डेवलप होने के, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन आप दोगे? देखो, स्किन का कैंसर जो होता है वो 3 तरीके का होता है, 3 types का होता है, बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वमस सेल कार्सिनोमा और मेलिग्नेंट मिलेनोमा। और बेजल सेल कार्सिनोमा जो है वो नॉन मेलिग्नेंट होता है, बेनाइन होता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्किन का कैंसर होता है। बेजल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप स्किन कैंसर। और ये जो स्किन के तीनों कैंसर है, बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वमस सेल कार्सिनोमा और मेलिग्नेंट मेलेनोमा, इन तीनों ही कैंसर स्किन के जो कैंसर है, इनके होने का मोस्ट कॉमन जो कोज रहता है, जो कारण रहता है, वो रहता है रेडिएशन एक्सपोजर। क्या रहता है? रेडिएशन एक्सपोजर। मोस्ट कॉमन कोज जो रहता है वो रहता है रेडिएशन एक्सपोजर। और रेडिएशन एक्सपोजर यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, यू शुड वियर सन स्क्रीन वैन गोइंग आउटसाइड, क्योंकि आपको एक्सपोजर से बचना है।
अगर पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर से खुद को प्रोटेक्ट करेगा तो उसको कैंसर होने की संभावना, स्किन का कैंसर होने की संभावना है, बहुत मिनिमाइज होके खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मरीज ने खुद को रेडिएशन एक्सपोजर से प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसको स्किन कैंसर होने की रिस्क सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। रेडिएशन एक्सपोजर से मरीज को खुद को प्रोटेक्ट करके रहना पड़ेगा, डी इज द करेक्ट वन। ए बी और सी जो है वो बिल्कुल खोटा जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एक इंपॉर्टेंट सूचना, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना है क्या आपको, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5-star रेटिंग का। इस लोगो के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और एक इंपॉर्टेंट रिव्यू अपना वहां पे लिख दीजिए। ये ऐप आप लोगों के लिए मददगार बनेगा, इन फ्यूचर जो भी एग्जाम आएगा उस एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल होगी। जैसा कि हम सबको पता है कि 26 और 27 मार्च को MPCHO का एग्जाम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेके आया है MPCHO टेस्ट सीरीज। सिलेबस पैटर्न के ऊपर बेस इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1000 प्लस MCQs है वहां पे। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसका प्राइस है मात्र 299 इसका प्राइस है। इसको परचेज करने के लिए आपको 299 रुपीज जो है वो पे करने हैं, 7272029029 इस नंबर के ऊपर आपको ये पे करना है। और पे करके आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो और आप जुड़ सकते हो एक बेहतरीन भविष्य के लिए टीम नोवल के साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे MCQ सेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आप चाहते हो MPCHO की थ्योरी लेक्चर वीडियो तो भी आप इसी नंबर पे 1500 पे करके थ्योरी लेक्चर खरीद सकते हो। 25 मार्च तक ये थ्योरी लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे और 26 और 27 को एग्जाम है तो तब तक आप ये सारे थ्योरी लेक्चर आराम से देख पाओगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए MPCHO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। बाकी अगर आप ये एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने बेहतरीन भविष्य निर्माण के लिए। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्लाइंट हु इज कंप्लेनिंग ऑफ नोजिया हैज बीन ऑर्डर हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड 75 मिलीग्राम एवरी 3-4 आवर्स IM प्रॉन फॉर नोजिया। द वाइल कंटेंट 100 मिलीग्राम पर 2 ml, हाउ मेनी ml विल यू गिव, कितना दवाई दोगे। तो फॉर्मूला जो है वही सेम है जो अभी हमने पढ़ा कि आपको देना है उसको बोलते हैं डिजायर्ड डोज, जो आपके हाथ में है उसको बोलते हैं अवेलेबल डोज, और अवेलेबल कितने में है उसको बोलते हैं ml। तो कितनी क्वांटिटी देंगे उसका होता है डिजायर डोज अपॉन डोज अवेलेबल इंटू ml। डिजायर डोज हमारी यहाँ पे है 75 मिलीग्राम, अवेलेबल डोज है हमारी यहाँ पे 100 मिलीग्राम, और ये है 2 ml के अंदर। 75 मिलीग्राम इज द डिजायर डोज, 100 इज द अवेलेबल डोज, और ये कितने के अंदर है, 2 के अंदर है। तो 2 से जब मैंने इसको कट किया तो ये 50 हो गया, और 50 को 75 से करेंगे तो 1.5 ml वहाँ पे आएगा। तो 1.5 ml इज द करेक्ट वन, और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 1.5 ml। डिजायर डोज अपन डोज अवेलेबल इंटू ml, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से कि कितनी डोज जो है वो पेशेंट को जानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, और जिन लोगों की कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही है शायद उन्होंने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। प्रेस द लाइक बटन, शेयर द कंटेंट, सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब येट, फटाफट से कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन भविष्य निर्माण वाला कंटेंट जो है आप समझ पाए और जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रूराइटस, एक मरीज को केयर दे रहा है जिस मरीज को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, प्रूराइटस, इचिंग हो रही है पेशेंट को। विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, जिस मरीज को इचिंग हो रही है, प्रूराइटिस हो रही है, उस मरीज के लिए सबसे अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है पूछा है। फर्स्ट है सजेस्ट द क्लाइंट टेक वार्म सोवर BID, मरीज को बोलो कि तुम्हें गर्म सोवर लेना है दिन में 2 बार। दूसरा है एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर, मरीज जिस पानी से नहा रहा है उसमें बेबी ऑयल जो है वो ऐड कर दो। अगला है अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट्स स्किन, स्किन के ऊपर पाउडर लगाओ, ठंडा ठंडा डर्मी कूल है ना, वो पाउडर वहां पे लगाओ। और लास्ट है सजेस्ट ए हॉट वाटर रेंज आफ्टर बाथिंग,
बात करने के बाद में गर्म पानी का रिंज करें, गर्म पानी से मरीज लास्ट में एक बार नहाए तो उसको इचिंग कम हो जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा कि प्रूराइटिस एस मरीज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा प्रूराइटिस वाले मरीज में। देखिएगा जिस भी मरीज को प्रूराइटिस होता है उसको सूदिंग एजेंट काम में लेने होते हैं। क्या काम में लेते होते हैं? सूदिंग एजेंट। सूदिंग एजेंट वो होते हैं जो इचिंग को और कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, और इन चार ऑप्शन में एकमात्र सूदिंग एजेंट है बेबी ऑयल। तो एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर, मरीज का जो बाथ वाटर है उसके अंदर बेबी ऑयल, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल, किसी भी तरीके का बेबी ऑयल जो है वो ऐड करना है आपको बाथ वाटर में। ये बेबी ऑयल जो है स्किन को सूदिंग इफेक्ट देगा और जिससे मरीज की प्रूराइटिस या इचिंग जो स्किन के ऊपर हो रही है वो मिनिमाइज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रख लीजिएगा, सूदिंग एजेंट काम में लेते हैं प्रूराइटिस को मिनिमाइज और स्टॉप करने के लिए। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा एरे और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी इंक्लूड इन द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड विद स्कोलियोसिस एंड एन 18 डिग्री कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। बहुत ही इजी और ट्रिकी क्वेश्चन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंक्लूड करेंगे ट्रीटमेंट प्लान में 14 साल के बच्चे में जिसको स्कोलियोसिस हो चुका है और 18 डिग्री से स्पाइन की जो कर्वेचर है वो 18 डिग्री है। फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ ए मिलवा उकी ब्रेस, सेकंड है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द आउटवर्ड साइड ऑफ द कर्व, थर्ड है री इवेल्युएशन विद नो ट्रीटमेंट एट दिस टाइम, और लास्ट है सर्जिकल रीअलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कर्वेचर 18 डिग्री है, 14 साल का बच्चा स्कोलियोसिस है और जो स्पाइन का कर्वेचर है 18 डिग्री कर्वेचर है, कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, याद रख लीजिएगा कि जो कर्वेचर है स्पाइन का जब 20 डिग्री और उससे कम है, कर्वेचर जो है वो 20 डिग्री और उससे जब कम होता है तो हमें किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ मरीज को ऑब्जर्व करते रहना होता है जब कर्वेचर 18-20 से कम हो, यहाँ पे 18 है, और जब 18 है तो आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, रीइवैल्यूएट करेंगे मरीज को और कोई ट्रीटमेंट की वहाँ पे नीड इस समय तो नहीं है जब वो 18 है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी करेक्ट आंसर है कि रीइवैल्यूएट कर दो और किसी इलाज की जरूरत इस समय इस पेशेंट को अभी तक नहीं रहेगी साहब। बहुत ही बढ़िया, ए बी ओ डी तीनों ही कोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द नर्स रिकॉग्नाइजेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट विद ए ट्रेकियोस्टोमी। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि आप एज ए नर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट है पहनने के लिए जब आप सक्शनिंग कर रहे हो एक क्लाइंट का जिसको क्या हो चुका है, ट्रेकियोस्टोमी हो रखा है, एक मरीज है जिसको ट्रेकियोस्टोमी हो रहा है। ट्रेकियोस्टोमी का मतलब होता है टू क्रिएट एन ओपनिंग इन द ट्रेकिया, तो एक मरीज को ट्रेकियोस्टोमी हो रखा है और उसके अंदर आपको करनी है सक्शनिंग। तो जब आप सक्शनिंग कर रहे हो उस समय कौन कौन से पीपीज वहां पे आप यूज लेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वहां पहन के ये सक्शनिंग को कैरीड आउट करेंगे। फर्स्ट है गाउन, गॉगल्स एंड ग्लव्स, सेकंड है गाउन ओनली, थर्ड है ग्लव्स ओनली, और फोर्थ है गाउन एंड शू कवर। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्रेकोस्टोमी का सक्शनिंग करना है आपको तो जो सिक्रीशंस है उससे आपके हैंड एक्सपोज हो सकते हैं, उससे आपकी जो फेशियल एरिया है वो एक्सपोज हो सकता है, तो आपका बॉडी का जो क्लोथिंग है दूसरे पार्ट है वो भी एक्सपोज हो सकते हैं, और कोई भी मरीज का जब सक्शनिंग करोगे तो मरीज जो है इन्फेक्टेड है ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पे गाउन, ग्लव्स और गॉगल तीनों ही स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के पार्ट है और ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको वहाँ पे काम में लेने होते हैं। आपको गाउन भी पहनना है, आपको गॉगल भी पहनना है और आपको ग्लव्स भी वहाँ पे यूज करने हैं। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फैशन में काम में लेने होते हैं जिस भी मरीज को ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है और उसका सक्शन कर रहे हो आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। आप लोगों से गुजारिश है कि प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5-स्टार रेटिंग का, नोवल के लोगों के साथ में एक ऐप वहां पे आपको दिखाई दे, ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप,
ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। इतना करने के बाद मैं इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगी MPCHO की टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 1000 प्लस MCQs है, सिलेबस पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं MPCHO के। और ये MCQ को अगर आप खरीदना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज को, तो प्राइस बहुत मामूली सी है, 299 रुपीज। और ये प्राइस जो है आपको पे करनी है इस नंबर के ऊपर 7272029029। इस पे आप फोन पे या गूगल पे के द्वारा ये जो है 299 का जो प्राइस है वो पे कर सकते हो। पे करने के बाद में पेमेंट की रिसिप्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा इसी नंबर के ऊपर भेज देना है। और इस नंबर के ऊपर जब ये आ जाएगा तो यहाँ से नोवल इंस्टीट्यूट की जो टेक्निकल टीम है वो आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर देगी और आप टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये MPCHO की टेस्ट सीरीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। टीम नोवल ने MPCHO की टेस्ट सीरीज के अलावा थ्योरी लेक्चर भी तैयार किया है कि अगर आप MPCHO की थ्योरी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो भी आप टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ के थ्योरी लेक्चर का भी वहाँ पे आनंद उठा सकते हैं। थ्योरी लेक्चर के अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हो, 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो नॉर्थ सेट के एग्जाम के लिए जो कि सितंबर में होना है, तो देर किस बात की, जुड़ जाइए आज ही। लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट वहां पे सिचुएटेड है। टीम नोवल जो कि करवाती है कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में MCQ प्रैक्टिस। तो अगर आप करना चाहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी, अगर आप करना चाहते हैं MCQ प्रैक्टिस, अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीम नोवल के संग एक शानदार प्लेटफॉर्म पे और अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो बिना देरी किए हुए आज ही चले आइए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और एक बेहतरीन भविष्य की जर्नी यहाँ से शुरुआत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन और बढ़िया सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।